क्लास 10th ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे विजन के डिफेक्ट क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। तो कुछ एक केसेस होते हैं ना उसमें हमारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट बदल जाता है तो हमारी आँख के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो हमारे पास चार डिफेक्ट हैं टोटल। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, प्रेसबायोपिया जिसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की दोनों कंडीशन आती हैं आँख के अंदर, और एस्टिगमेटिज्म इसमें लेंस के कर्वेचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी डेफिशिएंसी की वजह से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है ना कि हम लोग जो हैं वो पास की चीज़ों को नहीं देख पाते। और पास की चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना, जो लेंस की फोकसिंग पावर होती है, जो हमारा आई लेंस होता है उसकी फोकसिंग पावर जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, तो लिखा हो ना कॉज क्या है, कन्वर्जिंग पावर जो होती है आई लेंस की वो कम हो जाती है, या फिर किसी वजह से अगर हमारी आई बॉल छोटी हो जाए। तो अब देखो ना, ये हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसमें ऐसे होता है कि रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, लेकिन आई अगर हाइपरमेट्रोपिक होगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना के बाहर फॉर्म होती है। अब जब रेटिना पे फोकस ही नहीं हो रहा है तो हमें धुंधली इमेज दिखेगी ना। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, ताकि जो भी कन्वर्जिंग पावर कम हुई है लेंस की उसको हम ठीक कर सकें। तो फिर से हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस है। इसमें हमें दूर की चीज़ें तो ढंग से दिखती हैं, लेकिन हम लोगों को पास की चीज़ें ढंग से नहीं दिखती, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट बदल जाता है और जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है, और या फिर आई बॉल जो होगी वो छोटी हो जाएगी, और इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जो सेकंड डिफेक्ट है हमारे पास वो है मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। जो मायोपिया है उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पास की चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि इसमें हमारा फार पॉइंट बदल जाएगा। हमारा फार पॉइंट वैसे इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारा फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, जो फोकस होता है ना इमेज का वो रेटिना से पहले ही हो जाता है। ठीक है, यानी रेटिना पे इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, उससे पहले फॉर्म हो जाएगी। अब ये किस वजह से होता है, या तो हमारे आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाए। आई लेंस का कर्वेचर बढ़ने का मतलब होता है ना, वो ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। सेकेंड है हमारे पास आई बॉल की इलोंगेशन, आई बॉल इलोंगेट हो जाती है किसी वजह से, बड़ी हो जाए आई बॉल। तो ये हमारे पास ना मायोपिक आई का डायग्राम है। इसमें जैसे देख रहे हैं हमारे आई लेंस से पास हो रही है लाइट, तो वो रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है और हमारी इमेज बनेगी नहीं। अब इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग ना हमारा कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। तो जो कॉन्केव लेंस है वो जो एक्सेसिव कर्वेचर हुआ उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो मायोपिया नियर साइटेडनेस है, हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। कारण क्या है कि हमारे पास जो हमारी लेंस होता है, जो हमारी आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, या फिर किसी वजह से अगर हमारी आई बॉल ही बड़ी हो जाए। इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास वो है प्रेसबायोपिया। जो प्रेसबायोपिया यूजुअली उसमें क्या होता है ना, बंदे की आँख के अंदर दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं। जैसे एज के साथ क्या होता है, हमारी जो सिलरी मसल्स होती है ना वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और आई लेंस जो होता है वो टाइम के साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज़ कर देता है। इस वजह से जो आई है वो मायोपिक भी हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिक भी हो जाती है, यानी कि आई का नियर पॉइंट भी बदल जाएगा और आई का फार पॉइंट भी बदल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम बाईफोकल लेंस को यूज़ करते हैं। बाईफोकल लेंस क्या होते हैं, बेसिकली होता क्या, जैसे ये ग्लास है, इसमें नीचे अलग लेंस लगा होगा, ऊपर अलग लेंस लगाओ। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास जो होगा वो सपोज करो कॉन्केव लेंस होगा, नीचे कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो ऐसे करके इनको हम लोग बाईफोकल लेंस बोलते हैं। तो फिर से प्रेसबायोपिया क्या होता है हमारे पास, प्रेसबायोपिया आई का एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें बंदे को हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों कंडीशन सफ़र करनी पड़ रही हैं। एज के साथ ये डिफेक्ट आ रहा है, सिलरी मसल जो हैं वो वीक हो गई हैं, लेंस जो होता है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देता है। ठीक करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास एस्टिगमेटिज्म। तो बेसिकली एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, जैसे देखो हमारे लेंस का कर्वेचर ये है, सपोज करो किसी वजह से कर्वेचर ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी या कुछ भी हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसके थ्रू तो देखो ना रेगुलर रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन अब इसके थ्रू क्या होगा, कहीं अलग फोकस हो रहा है। ठीक है, तो तीन चार जगहों पर फोकस होने के से क्या होगा कि हेजी सी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है,
तो लाइट जो आँख में एंटर कर रही है ना एक्चुअली में, वो क्या हो रही है, वो ढंग से फोकस नहीं हो पा रही रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से रिजल्टेड इमेज जो होगी वो ब्लर्ड होगी। ठीक है, तो ये इररेगुलर शेप है लेंस की, इसकी वजह से भी हो सकती है, और कई बार कॉर्निया की शेप भी जो होती है वो अलग हो जाती है। तो इसकी दो कॉमन टाइप है हमारे पास, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म और लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हमारी कॉर्निया की शेप इररेगुलर हो जाती है, और लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हमारे लेंस की शेप इररेगुलर हो जाती है। ये एक टाइप का ना रिफ्रैक्टिव एरर है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो आई की शेप में चेंज आने की वजह से जो लाइट होती है वो प्रॉपरली तरीके से बेंड नहीं हो पाती। अब इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए ना हम लोग स्पेशल टाइप के लेंसेज यूज़ करते हैं, उनको सिलेंड्रिकल लेंसेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक इसमें डिस्कस करूँगा वो क्या है, कि कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाट इज़ मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, हमारी जो आँख की सीलरी मसल्स होती हैं वो हमारे लेंस को, आई लेंस की शेप को थिक या थिन बना सकती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, डिस्टेंस और नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों पे बड़ी जल्दी फोकस कर पाते हैं। इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है, बंदे का फार पॉइंट बदल गया होगा। ठीक है, बंदे का फार पॉइंट बदल गया है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। अभी अपने को पता है कि अगर मायोपिया है तो हमने कौन सा लेंस यूज़ करना है, कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के साथ फार पॉइंट और नियर पॉइंट कितना होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारे पास नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? अब कोई बंदा है वो अपने पास ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है उसको मायोपिया हो गया है, नियर साइटेडनेस होगी उसको, पास की चीज़ें दिखेंगी दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, फार पॉइंट बदल गया है बंदे का, फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी नहीं रहा है, उससे कम हो गया है, तो बंदे को मायोपिया है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ना दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल बट टिपिकल से न्यूमेरिकल थे, तो होना जो फंडा यूज़ है इसमें लाइट का ही फंडा यूज़ होना है, कि हाँ हमारे पास जो लाइट में हमने लेंस फार्मूला पढ़ा था वही यूज़ होगा, तो फार्मूला दोनों केसेस में क्या है वही लगना, 1/V - 1/U = 1/F। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी बंदे को मायोपिया है, बंदे को फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तो ट्रिक ये है कि जब भी मायोपिया पे न्यूमेरिकल आएगा तो यू की वैल्यू लेना माइनस इन्फिनिटी, और वी की वैल्यू वो लेना जो फार पॉइंट हो गया है बंदे का। जैसे इस केस में देखो ना, फार पॉइंट 3 मीटर हो गया, जैसे इस केस में देखो ना फार पॉइंट 3 मीटर हो गया, तो V की वैल्यू होगी 3 मीटर, U की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। वहीं पर अगर हाइपरमेट्रोपिक आई आ गई, यानी कि बंदे को फार साइटेडनेस है, इसका मतलब यह कि बंदे का नियर पॉइंट बदल गया है। जब भी बंदे का नियर पॉइंट बदलेगा तो तुम न्यूमेरिकल में U की वैल्यू को लेना -25, और V की वो वैल्यू आएगी जो बन गई है। जैसे इस केस में क्या हुआ ना, सेकेंड वाले क्वेश्चन के केस में जो अपने पास U की वैल्यू है वो -25 लेनी है, लेकिन V क्या है, जो उसका नियर पॉइंट हो गया है, उसका नियर पॉइंट हो गया 50 सेंटीमीटर, तो V की वैल्यू होगी 50, और दोनों नेगेटिव में आएंगे, U भी नेगेटिव आएगा, V भी नेगेटिव आएगा, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल में। तो मायोपिया के केस में U को माइनस इन्फिनिटी लेना है, और V की वो वैल्यू होगी जो हो गई है, जो हमारा फार पॉइंट बन गया है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में U को -25 लेना है, और V की वैल्यू वो होगी जो उसका नियर पॉइंट हो गया है। तो इससे हम ना पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि बंदे का फार पॉइंट जो है वो बदल गया है, 3 मीटर हो गया। अभी मैंने बताया फार पॉइंट बदलेगा, यू को माइनस इन्फिनिटी लिया, वी को -3 मीटर लिया, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल दिया। फोकल लेंथ किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास कॉनकेव लेंस है, और पावर निकालनी होगी, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। बस ये याद रखना, फोकल लेंथ मीटर में निकालते हैं हम लोग, तो फोकल लेंथ मीटर में ही थी, तो पावर कितनी आ गई, -0.33 डायोप्टर। नेक्स्ट दूसरे वाला क्वेश्चन, ये हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन है। हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चन में बंदे का नियर पॉइंट जो बदल गया है एज की वजह से, 50 सेंटीमीटर हो गया, हमें करेक्टिव लेंस कौन सा होगा वो निकालना और पावर निकालनी है। ठीक है, यू की वैल्यू -25 ले ली, हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है, वी की वैल्यू -50 ले ली, ये वो है जो नियर पॉइंट अब हो गया है आँख खराब होने के बाद। फिर इसको
वही लेंस मेकर फार्मूला में पुट किया। वैल्यू निकालने के बाद अपने पास क्या आएगा, फोकल लेंथ आ रही है 50 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, पावर में 1/f किया, और यहाँ पे इसको क्या है 50/100 किया, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 2 डायोप्टर आ जाएगी। अब देखो फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, और अपने पास पावर भी पॉजिटिव आएगी 2 डायोप्टर। तो इस वीडियो में हमने आई के डिफेक्ट पढ़े, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। हमने आई के डिफेक्ट पढ़े, हमने हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ा, मायोपिया के बारे में पढ़ा, एस्टिगमेटिज्म के बारे में पढ़ा, प्रेसबायोपिया के बारे में पढ़ा। मैंने तुम्हें यह बताया कि न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करने हैं, मायोपिया में यू की वैल्यू -∞ होती है, हाइपरमेट्रोपिया में यू की वैल्यू -25 होती है। तो इसके साथ ये वीडियो ओवर होती है, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम डिस्पर्शन के फिनोमिना को डिटेल में पढ़ेंगे।